जय बालाजी सरकार की, जय सन्यासी वाले बाबा की, जय बागेश्वर धाम सरकार की। स्वागत है आपका हमारे चैनल में मोहित चतुर्वेदी। और माताओं बहनों को मेरा प्रणाम, भाइयों को मेरा नमस्कार स्वीकार करें। आज 5 दिसंबर है, गुरुदेव का नौगांव की नगरी में आगमन हुआ और भव्यता के साथ उनका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ, वंदन हुआ। मैं आपको बताता हूं, उस दृश्य की झांकी को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हुआ, गदगद हुआ। मुझे भी ये लगा कि मुझे भी नौगांव जाना चाहिए, आज के दिन गुरुदेव का स्वागत करना चाहिए। जब ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही थी, गुरुदेव बग्घी में बैठे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। और हाँ, जो नौगांव के हमारे बड़े भैया हैं अमित तिवारी जी, उन्होंने भव्यता के साथ, पुष्प वर्षा के साथ गुरुदेव का हमारे स्वागत किया। जो कि हरदम अमित भैया समाज जी के कार्य में आगे रहते हैं, अग्रणी रहते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अमित भैया भी जब बग्घी के पास खड़े हुए थे पीला कुर्ता पहन के, आप देखिएगा, हरदम समाज के कार्य में आगे रहते हैं। तो आइए चलते हैं उस झांकी की ओर, उस दृश्य की ओर, जो गुरुदेव का जब पुष्प वर्षा के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन हुआ नौगांव की नगरी में। और हाँ, पहले आपको झांकी दिखाता हूँ, उससे फिर मैं 1 मिनट की आपकी बात करूंगा। कल 6 दिसंबर है, हालांकि दिव्य दरबार लगना है। तो आइए पहले झांकी देख लेते हैं, फिर भक्तों से थोड़ा बात। तो आइए चलिए उस झांकी की ओर। देख लिया, बहुत अच्छा दृश्य था, बहुत अच्छी झांकी थी। और हाँ, सभी को जय बागेश्वर धाम सरकार की। और जो लोग भक्तगण कल के दरबार में पहुंच गए हैं, नौगांव पहुंच गए हैं, उन सभी को राम राम। और आशा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का कल दरबार में नंबर आए 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को। क्योंकि कल मैंने वीडियो भी डाली थी, तो उसमें बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि रुकने की व्यवस्था, तो वहाँ होटल है, आप आराम से रुक सकते हैं। और सभी को मेरा राम राम। और मैं बता दूं कि सभी का नंबर आए, आशा करता हूं कि सभी लोग खुश रहें, खुश होके जाएं, गुरुदेव के दर्शन करें। जय बागेश्वर धाम सरकार की, जय सन्यासी वाले बाबा की।